अभी तक गंगापुर में ये सही क्यों नहीं हो रहा? क्या नाम भाई साहब का? मेरा नाम पिंटू सलेमपुर है। बताइए क्या कहना चाहते हो? बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, दो साल से मैं देख रहा हूँ इसको। कहाँ पे परेशानी हो रही है, कहाँ की बात? अर्जुन पैलेस वसुंधरा कॉलोनी के सामने सालोदा मोड़ गंगापुर की, मतलब उदय मोड़ से सालोदा रोड तक। यहाँ पे मतलब थोड़ी सी बारिश आने पर बहुत ज्यादा पानी इकट्ठा हो जाता है। अब देखते रहो आगे गाड़ी वाले। क्या कहना चाहते हो, किसको जिम्मेदार मानते हो? प्रशासन जिम्मेदार है, और तो कौन जिम्मेदार? प्रशासन से ज्यादा जिम्मेदार और कौन कौन है? हमारे रामकेत की विधायक महोदय, फिर शहर के हमारे राजा, चेयरमैन, ये तो सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे। प्रशासन चाहे तो ये काम हो सकता है। अब कलेक्टर पिछली बार रही थी, कलेक्टर देख गई पानी में उसकी गाड़ी, कलेक्टर खुद ही निकल के जाती थी करौली यहाँ से उसके पति से मिलने के लिए पानी में होके। जो होएगा होएगा होएगा, अभी तक तो हुआ नहीं। ये देखिए पिंटू सलेमपुर जी का दर्द छलक पड़ा है। इनकी दुकान है यहाँ पे रेडीमेड की, ये देखिए इनकी दुकान है और इनकी दुकान है ये, और इनकी दुकान के सामने देखिए लबालब पानी भर गया है, इसलिए ये काफ़ी दुखी है। अब इनके ग्राहक भी नहीं आ पाएंगे एक दो दिन तो, क्योंकि बरसात बरसात तो ग्राहक ही नहीं, घर में से करा देना पड़ेगा। ये देखिए इनके यहाँ पानी भर जाता है, इस कारण बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गंगापुर में मेन समस्या चौथी मंजिल पे रहते हैं विधायक साहब, तो रहते हैं वो कहते हैं हमारी सरकार नहीं है, बीजेपी सरकार नहीं। तो पहले तो सरकार थी, पहले सरकार थी तो ध्यान नहीं दिया विधायक महोदय करवाया नहीं। हम तो जब भी पहले ही भरता था पानी, तो पहली बार थोड़ी भरा कार्यकर्ता है। हम तो खुद ही कह रहे भाई ये चीज पे ध्यान देना चाहिए था, अभी भी उनके पास तो कर सकते हैं। ये देखिए बहुत ही शानदार नज़ारा मैं आपको दिखा रहा हूँ, अंबेडकर नगर के सामने से वहाँ निकलते हुए अर्जुन पैलेस। ये देखिए लाइव तस्वीर गंगापुर सिटी से, काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है लोगों को यहाँ पर निकलते हुए। बगल में किसका था वो? ये चाबी ले ले आ रही है, चाबी पीछे की जेब में रख दो, चाबी दो चाबी एक ले ले बगल में कर दो, नहीं नहीं बीच वाली आया चाबी। ये देखिए गंगापुर सिटी में अंबेडकर नगर उदय मोड़ से लेके और शालोदा मोड़ तक पानी भरा हुआ है। आप देख सकते हैं सीधी लाइव तस्वीर। अब मैं थोड़ा पानी में उतर के आपको दिखाता हूँ, लाइव दर्शन करवाता हूँ गंगापुर सिटी के। गंगापुर सिटी को पांचना बांध तो खुल नहीं पाया, लेकिन यहाँ दूसरा बांध बना हुआ है एक, ये सालोदा रोड से और सालोदा मोड़ से लेकर और गंगापुर सिटी उदय मोड़ तक इसके पानी को कमांड क्षेत्र के लोगों के लिए काम में लिया, क्योंकि ये गंगापुर का पानी है ऐसे ही काम नहीं आ रहा कहीं, तो उदय छोटी उदय खिदरपुर के लिए काम में आ सकता है। ये देखिए गाड़ी वाले हाथ हिला के दार हैं, और इतना पानी भर गया है गाड़ियों में, ये गाड़ियाँ ही डूब गई है, छोटे व्हीकल्स इस तरीके से निकल रहे हैं। जरा ही तरह एक मिनट मोबाइल पकड़ना है। ये देखिए हम आपको सीधी लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं गंगापुर सिटी से, भयंकर पानी भर गया है गंगापुर सिटी में। ये देखिए इसमें घुसने पे ही 1-1.5 फीट पानी आ रहा है। ये देखिए लोग आप किस तरीके से निकल रहे हैं गंगापुर सिटी से, अंबेडकर नगर के सामने का दृश्य है ये, भयंकर पानी जा रहा है। ये देखिए लोग आग फोटो खिंचवा रहे हैं, बड़ा मज़ा आ रहा है लोगों को निकलने में।
ये देखिए उदय मोड़ तक पानी पानी है, ये बीच रोड में खड़े हुए हैं अंबेडकर नगर पे। और ये देखिए इधर देखिए, ये देखिए पानी 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 है। किधर जा रहे हो? उधर चलेगा क्या? उधर सालों तक पे चले जाए, ले लूँ तेरी फोटो एक बार घुमा दे यार। ये देखिए हमारे दोस्त मान गए सालों तक चलने के लिए। और अब मैं ऊपर आने दे, वो जब बैठन दे वह लजा भी तो चले वो पकड़े। ऊपर बैठ जाओ, इधर उठ चलो, इधर उठ चलो, आगे तेरे कैमरा का अंगली मत लगा। ये देखिए धीरे धीरे चलाना, गिर जाऊंगा नहीं तो। रुक जा रुक जा, एक मिनट रुक जा रुक जा, एक मिनट खड़ा रहने तो नहीं। ओ धीरे धीरे चलाइए, हमें गज गज के लगेंगे हमें। ये देखिए सीधा नज़ारा मैं आपको दिखा रहा हूँ। लबालब पानी पानी भरा हुआ है। दूसरी ओर का दिखाता हूँ, देखिए अब गंगापुर सिटी में भारी बारिश का नज़ारा है। सालोदा मोड़ से उदय मोड़ की ओर ये देखिए चारों तरफ पानी पानी भरा हुआ है इसमें। और धीरे धीरे चलंदा, धीरे 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 आराम आराम से।
ये देखिए बीच में होके जाने को मजबूर है लोग बाग। ये देखिए गाड़ी डूब गई है इसमें पानी में। और ये शारदा मोड़ का नजारा है बीचों बीच का। उधर से आऊंगा घूम के भी आ रहा हूँ। ये देखिए पूरे सैलादा मोड़ का ये नजारा। रोक ले थोड़ी देर रोक ले। चलंदर आराम आराम चलंदर आराम आराम। ये देखिए सालोदा मोड़ का नजारा हम आपको दिखा रहे हैं गंगापुर सिटी से जलमग्न सालोदा मोड़। ये देखिए पूरा सालोदा मोड़ जलमग्न हो रहा है। और ये ट्रैफिक ही ट्रैफिक पूरे सालोदा मोड़ पे। सरपंच साहब भी अटक गए इसमें। ये देखिए लाइव न्यूज गंगापुर सिटी और जी न्यूज पोर्टल। ये देखिए पूरा गंगापुर सालोदा मोड़ में पानी पानी भरा हुआ है और लोग मेरे को देख के भी हंस रहे हैं। ये देखिए गंगापुर सिटी का नज़ारा काफ़ी शानदार और बेहतरीन है। इसमें स्विमिंग अति आवश्यक है। ये देखिए पूरा पानी पानी भर गया है। ये देखिए दूसरा टैंकर वाला भी जा रहा है मजे लेते हुए। बहुत ही दयनीय स्थिति है गंगापुर की।
देखिए छोटी गाड़ी आ रही है, ये पूरा गंगापुर जलमग्न हो गया है, उदय मोड़ से लेके सालोदा तक। ये देखिए कॉलोनी में पानी भरा हुआ है जगह जगह पर। ये बस है निकल रही है कैला देवी एक्सप्रेस, टेम्पू वगैरह सब में पानी भर गया है इसमें। थोड़ी देर रोक ले बगल में एक जगह, ये देखिए पूरा जलमग्न हो गया है पूरा नजारा। रोक ले ओ अब रोक ले। रोक ले थोड़ी देर रोक ले। एक फोटो ले लो बस। ये देखिए सालोदा मोड़ उदय मोड़ वाला रोड पूरा पानी में भर गया है, पानी पानी हो गया है।